भगवान किसको संरक्षण दे रहा है। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैंने उस समय कहा था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। सारे डकैतगिरोह समाप्त, और बीच में भी गड़बड़ घटनाएं हुई थी तो बुलडोजर भी अपन ने चलवाए, बुलडोजर भी। गुंडे बदमाश जनता को तकलीफ देने वाले वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, जनता सुरक्षित रहेगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज आपसे एक बात कहने आया, कांग्रेस ने अब कुछ नहीं बचा। आप बताओ अयोध्या, भाई बीच में बात मत करो, आप बैठे रहने दो, मैं मिल के जाऊंगा उनसे, बैठे रहो। हाँ बात नहीं, अभी मत आओ, मैं जब आऊंगा तब देखो। आप एक बात मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? सब बताओ, हुई कि नहीं? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सबको खुशी हुई कि नहीं? सब खुश थे, पूरा देश प्रसन्न था। बहनों ने दीपक जलाए, भांजोर केसरिया पताकाएं लहराई, रंगोली बनी, आनंद उत्सव मनाया गया। लेकिन एक पार्टी बड़ी दुखी थी, सब खुश थे लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम उसका, जोर से बताओ, कांग्रेस। क्यों बन गया? निमंत्रण दिया, निमंत्रण, आओ भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तुम भी आओ। तो उनको जाना चाहिए था कि नहीं बताओ? अरे जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मती पहले हर ले ही। उनकी बुद्धि पे बैठ गई मंथरा, और लिख के उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे ऑन रिकॉर्ड, हम नहीं जाते, मुहूर्त खराब है, फलानी खामी है, फलानी कमी है। अरे मुहूर्त भी भगवान राम के मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का भगवान का कोई मुहूर्त पूछता है क्या? जो दुनिया के बनाने वाले उनका मुहूर्त कांग्रेस पूछ रही है। मुहूर्त खराब कांग्रेस का था, राहु केतु दो ही कांग्रेस की कुंडली में बैठ गए, जाने से इनकार कर दिया और लिख के इनकार किया कि हम नहीं जाएंगे जब तक धरती आकाश चंद्रमा सूरज रहेंगे, तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने मंदिर के बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। आप बताओ ऐसी कांग्रेस में रहना चाहिए क्या? ऐसी कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? सब सत्यानाश कर रही है, उल्टे सीधे फैसले। अभी अभी उनने कहा, उनके नेता सैम पित्रोदा, उनने कहा विरासत टैक्स लगना चाहिए। विरासत टैक्स का मतलब क्या है? जिंदगी भर की कमाई से अगर आप थोड़ा धन दौलत जोड़ो और आप मरो तो मरने के बाद 55% पैसा और दौलत सरकार जब्त कर लेगी, केवल 45% मिलेगी बेटा बेटी को। आप बताओ, पेट काट काट के गरीब आदमी भी सोचता है कि मरते समय बेटा को कुछ दे जाऊं, बहू को कुछ दे जाऊं, बेटी को कुछ दे जाऊं। लेकिन अगर ऐसी संपत्ति इकट्ठी की तो 55% कांग्रेस कह रही है उसको जब्त कर लेना चाहिए। बोलो अपनी संपत्ति जब्त होने दोगे क्या? जोर से बोलो, जब्त होने दोगे क्या? कैसी होगी कांग्रेस? ये भारत की परंपरा नहीं है, अमेरिका की होगी। अब ये औंधी सीधी कांग्रेस जिसकी दुर्गति हो रही है पूरे देश में, आप बताओ अपने देश को चला सकती है क्या? अरे चला सकती है क्या? देखो चुनाव के समय अपन क्या क्या चीज देखते हैं। सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि हमने पार्टी को जिताया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बोलो देखना चाहिए कि नहीं? अपन तो बात कर रहे हैं, भाषण देने नहीं आए। बताओ देखना चाहिए कि नहीं? गर्मी के दिन है मेरी बहन, अगर मटका खरीदने भी जाती हो तो खरीदने के पहले ठोंक कर देखती हो कि टन टन बोल रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कहे टूटा फूटा हो, पानी टपक जाए उसको, देखते कि जब मटका ठोंक बजा के देखते कि अच्छा है कि नहीं, तो बताओ प्रधानमंत्री देखना चाहिए कि नहीं? अच्छा अपने प्रधानमंत्री तो तय है, कौन अपने प्रधानमंत्री कौन तय है? भाजपा के नरेंद्र मोदी।
कांग्रेसियों तुम्हारा प्रधानमंत्री बता दो कौन होगा? राहुल बाबा तो अमेठी से बन गए वायनाड, सोनिया गांधी चुनाव ही नहीं लड़ रही और उन्हें गठबंधन बना दिया, इंडी गठबंधन। कौन बनेगा प्रधानमंत्री बताओ? धनु बनेगा कि पन्ना बनेगा, कल्लू बनेगा कि लल्ला बनेगा, जुम्मन बनेगा कि मन्ना बनेगा, कोई बता दो तो। ऐसी वोट मांगे जो पार्टियां नेता तय नहीं कर पा रही हो उसको वोट देना चाहिए क्या? और इसलिए कहने आया हूं, वोट पानी में मत फेंकना, पानी में मत फेंकना। भाजपा ये जो देश को बना सकती है मेरी बहन और भाइयों, कितने काम किए राज्य की सरकार ने, जो काम किए पता है, मैं गिना नहीं सकता, समय नहीं। निशुल्क राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बचे हुए घर गरीबों के बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी पक्के मकान। आयुष्मान भारत योजना 70 साल की उम्र वालों के लिए भी, 70 से ऊपर कोई भी हो सबको आयुष्मान भारत योजना का मतलब 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज मिलेगा। उजाला रसोई गैस कनेक्शन हर एक को दिया जाएगा। कितनी चीजें कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? और इसलिए सब चीजों को लाभ लेने के लिए आप ध्यान रखना, इधर उधर वोट नहीं देना है, केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेंगे। और अब मामा भी तो दिल्ली जा रहे हैं और भाभी बड़े बड़े काम करना, काय को चिंता करते हो? भाभी खाली पीली थोड़ी बैठे, भाभी बहनों का कल्याण करूंगा बैठ के। और वहां से भी विजयपुर वालों चिंता मत करना, योजनाएं ले लेकर तुम्हारे लिए भी आएंगे। यार अपनी है जिन्हें चैती खड़ा बनाया, अपनी जिनने मोजरी बांध बनाया, कभी कांग्रेस ने बनाया एक बूंद पानी दिया है क्या? इन सबको पूरा करना है। और इसलिए इधर उधर वोट मत देना भैया, सीधे भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी, शिव मंगल तोमर हमारे उम्मीदवार हैं, वो दिन और रात सेवा आपकी करेंगे। और मुझे तो विजयपुर वालों तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार करता हूं। अरे मैं छोड़ूंगा थोड़ी, जब बुलाओगे मामा चले आएंगे, मिलके काम करेंगे, अपने विजयपुर को भी बढ़ाएंगे और अपने प्रदेश को भी बढ़ाएंगे। और बहनों फिर याद रखना, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। माँ बहन बेटी का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भांजे भांजों की चिंता तो मामा करेगी। और आज में समय ज्यादा नहीं है, आप सबसे निवेदन करता हूं, विजयपुर की इस पवित्र धरती पर संकल्प लीजिए। विधानसभा में थोड़ी चूक हो गई, अब ऐसी चूक तो नहीं होगी। कांग्रेस के लिए तो सोचे थे बन गई सरकार, कहीं ने तो सूटे चला लिए थे मंत्री की शपथ के लिए, तैयार थे। हमारे भी नेता थोड़े हिल रहे थे, पता नहीं क्या हो, लेकिन मैं कहता था मामा अभी जिंदा है, चिंता काय को करते हो? बीजेपी भी बनी, अब फिर से सरकार बनाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, कमल के फूल के बटन दबाइए और शिव मंगल तोमर को अपना सांसद बनाइए। बोलिए सब तैयार है? तो आज यहां संकल्प लेंगे भाजपा को जिताने का, अपनी जगह खड़े हो जाए सब, दोनों हाथ ऊपर उठाए, बहनों भी खड़े हो जाओ सब, दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आज जल्दी जाना, बाद में फिर आएंगे सुरेंद्र भाई, तब बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे।